उत्तर प्रदेश में आगरा के बीजेपी विधायक एक महिला अधिकारी पर इतने खफा हुए कि उन्हें खुलेआम धमकी दे दी। वहां किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के लिए जुटे थे, लेकिन रैली के समय एमएलए उदयभान सिंह एसडीएम पर भड़क गए। आपको मालूम नहीं मैं विधायक हूं, बहुत बिगड़ जाएगी। आप मेरे से बात करेंगे? मेरी ताकत का एहसास नहीं है। हालांकि महिला अधिकारी ने अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन एमएलए ने उनकी एक नहीं सुनी। आप से बात नहीं करेंगे। एसडीएम चुप रही, लेकिन विधायक उन पर बरसते रहे और उनके समर्थकों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी विधायक का ये वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ब्रिटेन में हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने वाली कार की बुकिंग शुरू कर दी गई। पेट्रोल से चलने वाली ये कार 2020 तक वहां के बाजार में उतरेगी, जो किसी हेलीकॉप्टर की तरह जमीन से उठकर आसमान में उड़ सकती है। इस कार को हवा में उड़ाने के लिए ड्राइवर को हेलीकॉप्टर मोड चुनना पड़ेगा, जिसके 10 मिनट बाद कार जमीन से हवा में उड़ने लगेगी। इस कार को बनाने वाली कंपनी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उड़ने वाली कार एक गैरेज से निकलकर सड़क पर चलती नजर आई। थोड़ी देर में कार एक मैदान में पहुंच गई, जहां उसके दो पंखे खुल गए। देखते ही ये कार एक हेलीकॉप्टर जैसी बन गई। पंखों के घूमते ही कार हवा में उड़ने लगी। दावा किया गया कि हवा में इस कार की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। साथ ही इसमें दो लोगों के बैठने की जगह होगी। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद कार आसानी से जमीन पर उतर सकती है, जिसके बाद उसके पंखे फिर से सिमट जाएंगे और वो फिर से सड़क पर दौड़ने लगेगी। इस कार की कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 3 करोड़ रखी गई है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले यात्रियों की तादाद बढ़ने से वहां दुकानदार बेहद खुश हैं। पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस साल यात्रियों की तादाद 82 लाख के पार चली गई, और साल के आखिरी दिनों में भी वहां भक्तों का तांता लगा है। रश काफी है सर अभी तो, और लग रहा है कि नंबर आज देर में आएगा। और चौपर भी बुक है, सभी चीज होटल सारे बुक है, ट्रेन में बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। बर्फ भी पड़ी हुई है, इसीलिए स्पेशल आए हम जी, बर्फ देखने के लिए आए हैं। 2013 के बाद इस साल वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले यात्रियों की तादाद सबसे ज्यादा रही। 82.6 जो लाख हमारी यात्रा हो चुकी है, और ये फिगर लगभग 84 या 85 लाख टच करेगी। वैष्णो देवी जाने वाले यात्री वहां के इंतजाम से संतुष्ट दिखे, और श्राइन बोर्ड ने भी यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेहतर सुविधा मुहैया करवाने का दावा किया। वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा कटरा से शुरू होती है, जहां दुकानदार भी यात्रियों की बढ़ती संख्या से खुश नजर आए। हमारा तो जो बिजनेस है मेन यात्रा पे ही डिपेंड करता है, यात्रा आएगी तो हमारा रोजी रोटी चलेगी। कटरा के लोगों ने उम्मीद जताई कि यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए श्राइन बोर्ड ठोस कदम उठाएगा। श्राइन बोर्ड और ज्यादा यात्रियों को यहां फ्री अकोमोडेशन भवन पे दे, कटरा में दे, तो जिससे यात्रा और बढ़े। वैष्णो देवी यात्रा में जल्द ही रोपवे सेवा भी शुरू हो जाएगी, इसलिए उम्मीद है कि अगले साल यात्रियों की तादाद 1 करोड़ पार कर सकती है। सरकार ने आधार नंबर की अनिवार्यता के कानून में संशोधन को मंजूरी दी। खबर है कि मोदी कैबिनेट ने आधार नंबर को बैंक खाते और मोबाइल से लिंक पर बने कानून में संशोधन की मंजूरी दे दी है। बीएसपी के विधायक एन महेश ने कर्नाटक विधानसभा में फोन पर लड़कियों की तस्वीर देखते पाए जाने के बाद सफाई दी कि वो अपने बेटे की शादी के लिए आई लड़कियों की तस्वीरें देख रहे थे। यूपी के हरदोई में एक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी जेठानी ने मामूली कहासुनी में अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। पटना में एक ट्रक की टक्कर से 2 बाइक सवार लोगों के घायल होने के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। यूपी के प्रतापगढ़ में आरोप लगा कि दबंगों ने जमीनी विवाद में एक आदमी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिसे बचाने के चक्कर में उसके 2 भाई भी जल गए। बिहार के वैशाली में मारपीट के आरोपी एक लड़के की गिरफ्तारी से खफा गांव वालों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 3 पुलिस वाले और कुछ लोग घायल हो गए। गाजियाबाद के मोदी नगर में अज्ञात बदमाशों ने एक लड़के को गोली मारकर घायल कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पदभार संभालते ही किसानों की कर्ज माफी, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने और झीरम हमले की जांच SIT से करवाने का आदेश दे दिया। बिहार में RLSP के बागी विधायक ललन पासवान एक्सटिंग में केंद्रीय मंत्री बनने की इच्छा जाहिर करते हुए बिहार के मंत्रियों को भिखारी बताते पाए गए। बिहार के नवादा में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध तरीके से बनाई जा रही 40,000 लीटर देसी शराब को बरामद कर नष्ट कर दिया। पंजाब के फजिलका में पुलिस नाके पर खड़े होमगार्ड की एक कार से कुचलने के बाद मौत हो गई। अमेरिका के लॉरेंस में इंडियाना सीनियर कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, जिसमें करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई। पोलैंड में वरोकला में एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने के बाद दमकल की दर्जनों गाड़ियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कार्यक्रम में योग को धर्म से जोड़ने वाले लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कुछ लोगों को सूर्य नमस्कार से समस्या है तो वो चंद्र नमस्कार कर सकते हैं।